हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम विश्वनाथ चटर्जी है जी। मैं झारखंड धनबाद से आया हूँ सर। ओके, क्या हो गया था विश्वनाथ जी? सर जनवरी लास्ट, जब जनवरी लास्ट था उसके 30 के आसपास मेरे को एक एब्सिस हुआ था। तो एब्सिस को मैंने फिर ड्रेनेज वहीं करवाया था, वहाँ के बहुत बड़े सर्जन हैं उनसे। तो फिर ड्रेनेज कराने के बाद मेरे को लग रहा ठीक हो गया था। एक महीने बाद तक हल्का हल्का पस आ रहा था, और उस दौरान मैंने आपका काफी बड़ा घाव था। हाँ सर, वो घाव ही भर गया था वो, बट उस दौरान मैंने आपका वीडियो देख ही रहा था लगातार। तो फिर मेरे को आपको समझ आ गई कि ये ठीक नहीं हुआ फिस्टुला। हाँ यस सर, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर लेकिन नहीं बोला था सब ठीक ही है वो। मैंने बताया था आपको, एक प्रोब टेस्ट से चेक किया था उन्होंने, उससे भी बोला था क्योंकि फिस्टुला नहीं है। फिर मेरे को लेकिन लग गया था ये फिस्टुला, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे थे। तो फिर मैंने जैसे ही एक दिन मेरे को मन हुआ कि मेरे को, अगले दिन मैंने फ्लाइट का टिकट किया, फिर यहाँ आ गया। फिर जैसे ही यहाँ आया आपके पास, तो आपने सर मतलब फिंगर इंसर्शन से एक मतलब तुरंत बोल दिया करके ये फिस्टुला है, और MRI कराया। फिर आपने जो बोला था वैसे ही MRI सेम टू सेम आया। उसी दिन मेरी फर्स्ट सीटिंग हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद आपने बोला था 3 से 4 सीटिंग होगी सर। ओके। उसके बाद आज 2 सीटिंग में ही मैं कम्फर्टेबल हूँ सर। 3-4 महीने से मेरे को कोई ड्रेनेज नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा लेट भी आया आपके, क्योंकि ड्यू टू जॉब का प्रॉब्लम ऐसा है, बट कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। फर्स्ट मेन होती है, आगे की सीटिंग तो कई बार हम ऐसे भी डिले कर लेते हैं। यस सर, पर लकीली आपका तो पूरा खत्म हो ही चुका था, तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर, फर्स्ट सीटिंग की में सर प्रॉब्लम मेरे को सर लिटरली फर्स्ट सीटिंग में मैंने जो कैमरोल होता है ना, कैमरोल प्लस, वो बस खाया, पेन किलर जो हाई वो नहीं खाया था। बट दूसरे सीटिंग में क्या हुआ कि गुरुजी से मैंने बोला था कि मेरे को पेन किलर जितने दिया मेरे को वापस कर दो, तो मैंने यहाँ सब वापस कर दिया। और मैं उसके बाद 2 दिन तक उसमें पेन हुआ था मेरे को। फिर मैंने सर्जरी हुई है, पेन हो सकता है, इसीलिए देख के रखते हैं कि पेन किलर देखो कहीं चोट लगी है या कहीं काम किया है, तो वो एक्सपेक्ट कि देर विल बी सम डिस्कम्फर्ट, पेन ना हो, बिल्कुल ब्लड ना आए तो और टेंशन है, क्योंकि फिर हीलिंग कैसे होगी। तो अगर टिश्यू सेंसिटिव है थोड़ा बहुत पेन डिस्कम्फर्ट होना है, बट वो मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड अपना प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द पार्ट। सर मैं बहुत अच्छे से क्लीन करता था सर, फैमिली वाले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए इसमें सर। ओके, ये थोड़ा डिमोटिंग भी होता है ये सब। काफ़ी ज़्यादा एवरेज टूर के ये रोज का है, जितनी बस टूर पास करने गए डिमोटिवेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, कब तक चलना है, कैसे चलना है, ये नेचुरल है, सबके मन में ऐसे सवाल आते हैं। और पेशेंट काफ़ी बार डिप्रेस भी हो जाते हैं इससे, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ जर्नी। अगर इसके जितना कम से कम हो सकता है वो तो हम कोशिश करते हैं। यस सर, और बिल्कुल जीरो हो ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता। नहीं सर। हाँ जी, इनको दूसरे सीटिंग के बाद तक एक हफ्ते तक हुआ होगा पेन सर। मोशन जाने के बाद आधे घंटे तक मैं वॉकिंग करता था जी, जब पेन होता था। मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि मोशन के मतलब वॉकिंग करने में थोड़ा ठीक होता है पेन। ओके, उसके बाद वॉक करते, हाँ थोड़ा वॉक कर रहा था तो ठीक रहता। मतलब मैं थोड़ा बिजी अपने आप को करता था तो दर्द थोड़ा साइड इफेक्ट होता है। सही कह रहे हैं आप, बहुत सारे पेशेंट ये बताते हैं कि जब काम कर रहे होते हैं तो ठीक रहता है, जैसे ही सो जाते हैं रात को तो जाकर दर्द शुरू हो जाता है। यस सर, यस सर, क्योंकि उस टाइम पे फोकस उधर चला जाता है, अदरवाइज वर्किंग में रहेंगे तो एक तो है कि ड्रेनेज सारी होती रहेगी, जितना आप बैठेंगे चलते फिरते रहेंगे अंदर कुछ इकट्ठा नहीं होगा। yes, तो जैसे आप बता रहे हैं वॉक करने से कंफर्ट हो रहा है, इट इज़ वेरी मच नेचुरल। और आप भी बोल रहे हैं ऐसे, कई और पेशेंट भी बताते हैं कि हम चलते फिरते थे तो ठीक रहते थे, बैठ जाते थे, रेस्ट करते रहते थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कई पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि हमने 20-20 दिन रेस्ट किया पर रेस्ट करने में तकलीफ रहती थी, जिस दिन से हमने काम करना शुरू कर दिया ठीक हो। यस सर, मैं भी वही बोलना चाहता हूँ सभी को जी। तो जब 3-4 दिन बाद ऑपरेशन के अपने आप को अगर आप सोचेंगे कि बीमार नहीं है और थोड़ा अपना काम करने लगेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं लगती है। हमारी तरफ से तो अलाउड है, मेरी तरफ से सिर्फ 48 आवर्स का रेस्ट है, एक दिन हॉस्पिटल में या 2 दिन हॉस्पिटल में और सीधा तीसरे दिन से अपने काम पे। और मैंने सर इसमें खाने पीने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं किया सर। मैं तो जहाँ बाहर काम करता हूँ वहाँ मैं इसमें तो नॉनवेज बनता था, तो मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता था, लेकिन मैं सलाद खाता था। कुछ भी मना नहीं है। हाँ, जब नॉनवेज के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप कोई भी हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, नॉनवेज भी हाई प्रोटीन है, इवन ज़्यादा पनीर भी खा रहे हो वो भी ज़्यादा वो प्रोटीन है, तो उसके साथ आपको फाइबर चाहिए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होगी। तो आप कुछ फाइबर ऐड कर लीजिए, कुछ नहीं ऐड कर सकते, आप नहीं खा पा रहे फाइबर तो इस सब बोल के हंस ले सकते हैं। मैं सर फ्रूट्स फाइबर्स लगातार लेता रहता जब भी नॉनवेज खा रहा था। और ऐसे सर थोड़ी जर्नी मेरी अच्छी रही सर, थैंक यू आपको। मतलब मेरे को सर जिस दिन आया था मेरे आकाश मेरा दोस्त था, वही बोला कि
सर्जरी करवाओ, कोई मतलब उतने दूर से आना थोड़ा प्रॉब्लम होता है इतने दूर से। बट फैमिली कोई मानती नहीं थी सर, क्योंकि मेरे फैमिली में डॉक्टर्स है सर। अच्छा। और मेन मेरे भाई भी डॉक्टर ही सर, अर्जी करना पड़ा पास आउट है। तो वो सब बोल रहे थे किस सब्जेक्ट के हैं वो, क्या करते हैं? नहीं सर वो अभी तुरंत पास आउट हुआ, मतलब जूनियर रेसिडेंट है सॉरी। तो फिर उसके बाद सर सब लोग बोलते थे कि यहाँ करवा लो ये करवा लो, लेकिन मेरे को सर देखा कि दुनिया में कहीं भी करवाओ लास्ट में आना पड़ता है यहीं पे। तो फिर मैं सर फर्स्ट ही आ गया, उसके बाद मेरे को पता ही था मैं ठीक हो जाऊँगा यहाँ पे। गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा हुआ, किसी को गारंटी नहीं देते। बट सर मेरे को यही आपसे पूछना था, आप हर वीडियो में बोलते हैं किसी को गारंटी नहीं देते, बट ठीक तो सभी आते हैं सर यहाँ में, जब भी देखा ठीक सभी हो जाते हैं। किसी किसी का जल्दी ठीक होता है, किसी में लंबा भी लग जाता है, और कई बार ज़्यादा सोचते हैं जल्दी ठीक हो जाते हैं। कई बार रेयरली ऐसे केसेस होते हैं कि हम सोचते हैं कि ये जल्दी ठीक होएगा, पर बॉडी हील नहीं कर पा रही होती, उसमें समय भी लग जाता है। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपकी बहुत सारी चीज़ों पर वेरी करता है। और ये बीमारी भी बहुत क्रिटिकल है, ईजी नहीं है बहुत सारे पेशेंट में, मैं ये बोलता हूँ मेरे लिए भी आसान नहीं है। और कई बार केसेस ऐसे आते हैं कुछ कुछ टाइम बाद चेंजेस, और हर पेशेंट अलग है, कोई दो पेशेंट सेम नहीं है। अंदर जाके किसका क्या निकलने वाला है हमें नहीं पता चलता, वो अंदर जाके ही बहुत बार पता चलता है। और वो चेंजेस जब निकल आते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कई बार जल्दी भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट कुछ नहीं है मेडिकल साइंस में, बट वेन जब हमने सही तरीके से मेन रूट पर काम किया है हमें पता है ये ठीक होना ही है, ठीक है। पर फिर भी मुझे 100% भी पता होगा तो भी मैं 90 ही बोल के चलूँगा, मैं 100 नहीं बोल सकता। नोबडी इज़ गॉड, ये चोट है इन्फेक्शन है, तो इंजरी और इन्फेक्शन किसी को कभी भी हो सकता है। बट जब हमने इसको अच्छे से डील किया हुआ है और एक जनरल सही प्रिकॉशन कर रहे हैं तो मान के चलो ये नहीं आना। इनसाइड माय माइंड मुझे 100% भी पता होगा, बट आई कैन नॉट कमिट कि ये ऐसा ही होगा। तो इसीलिए हम कोई बोल देता है ना कि इसमें गारंटी ले रहा है, तो मैं बोलूँगा कि इधर या तो उसको फिस्टुला के बारे में पता नहीं है या वो आपको झूठ बोल रहा है। सर एक दो क्वेश्चन मेरे को पूछने हैं। जी प्लीज। सर जैसे मेनली सब जगह पूछते हैं सर, सर्जरी के बाद ड्रेनेज क्यों आता है सर? ड्रेनेज बेसिकली क्या है कि अंदर से हम बनाते हुए बाहर आते हैं। yes, तो जब अंदर काम किया है सिक्रीशन अंदर अगर इकट्ठी रहेंगी उस एरिया पे, तो वो वहाँ पे उसको हील नहीं होने देंगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। तो वो सिक्रीशन जितनी बाहर आती रहें उतना अच्छा है। वो ड्रेनेज आना है घाव भरने के लिए, बॉडी को नया टिश्यू बनाने के लिए। एक तरह से यही समझिए कि जैसे विष, जैसे अमृत बनता है तो उसके साथ विष भी निकलता है, तो ये प्राइमरली जो अच्छा टिश्यू बनता है उसके साथ बहुत सारा बेकार टिश्यू बनता है। तो वो बेकार सारे को हमने हटाना होता है और अच्छे को बचाना होता है। सो सारा प्रोसेस उसी को बनाना, उसकी शेप देना, और जितना मैक्सिमम नियर नेचर बन सके वो बनाने की हमारी कोशिश रहती है। सो सिक्रीशन इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द वूट, जो अंदर काम किया हुआ है, अंदर जो घाव है उसकी हीलिंग के लिए जब हम काम कर रहे हैं, पर जब तक वो घाव है तब तक सिक्रीशन आनी है। और सर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब में, बहुत सारी जगह बोलते हैं, मतलब उसमें डर भी लगता है देख के कि फिस्टुला कन्वर्ट इनटू कैंसर, बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है सर। सर मैंने आपसे बस ये पूछना है कि आप सर बहुत ही इसमें एक्सपीरियंस हैं, आपके कितने परसेंटेज ऑफ केसेस फिस्टुला के कैंसर में बदलते हुए देखे हैं आपने? बहुत सारे पेशेंट के अंदर लॉन्ग टर्म में जब कोई भी घाव, किसी भी घाव को अगर लॉन्ग टाइम पे इग्नोर किया जाए तो उसमें कैंसर होने का डर रहता है। उसको नासूर बोला जाता है कि घाव जो हील नहीं हो रहा, तो या तो नासूर को कैंसर ही समझ लेते हैं लोग, या नासूर इज अ वाउंड विच विल नेवर हील। तो ना इसको नासूर फिस्टुला को भी लोग नासूर बोलते थे, बट नासूर नहीं है, मतलब आप बोलने को बोल सकते हो, बट इट इज अगर इसको प्रॉपरली ठीक किया जाए तो ये ठीक हो सकता है, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म पे अगर वो वोंड रहता है, बॉडी अपने आप से सेल्फ हील करने की कोशिश करती रहती है और वो होता नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है उसको वो कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन नहीं है, रेयर है, ओवर द ईयर्स होना है, ऐसा नहीं कि आज फिस्टुला हुआ है 6 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, नहीं, बट सालों साल अगर वो पड़ा रहेगा तो वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट कई बार मेरे पास आते हैं कि उनको फिस्टुला के अंदर, मतलब बोल भी दिया होता है कि ये कैंसर है, पर कई बार मुझे क्लिनिकल जजमेंट में ये लग रहा होता है कि
कि अभी ये उसकी मिड स्टेज में है, ना एग्जैक्ट कन्वर्ट हुआ है ना, और बायोप्सी रिपोर्ट्स में उनके नहीं आया होता, फिर भी उनको कैंसर बोल दिया होता, पर जब तक बायोप्सी में प्रूवन नहीं आया तब तक हम उस पर मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको कैंसर बोला था, बट वो जब हम करके ठीक करके निकल हो जाते हैं वो, और वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, कैंसर नहीं आता। ठीक है, बट हाँ, समटाइम अगर कैंसर आ गया, अगर एक भी रिपोर्ट में मेरे कैंसर आ गया तो फिर मुझे उसको कैंसर का ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के लिए जो उसके कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ उनको भेजा जाता है। कई बार कैंसर और फिस्टुला की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कैंसर के साथ फिस्टुला होता है, उस दरमियान भी हम ऐसा करते हैं कि उसका कुछ लेवल कंट्रोल कर देते हैं फिस्टुला का, ताकि उनकी कंफर्ट लेवल थोड़ा इम्प्रूव हो जाए और ताकि वो कैंसर का इलाज आगे कंटिन्यू कर पाए। और अगर मुझे लगे कि उसको कैंसर का ही प्रॉपर इलाज चाहिए, फिस्टुला से फ़ायदा नहीं होने वाला अनलेस कि वो कीमो रेडियो और वो सबसे ख़त्म नहीं होगा कैंसर से, तब तक हम पहले उनको उधर भेज देते हैं, और फिर लगे कि हाँ वो वाला पोर्शन ख़त्म हो गया फिर उसको फिस्टुला का कर देते हैं। रिसेंटली भी मेरे पास एक पेशेंट थे जिनको कितनी बार वो बेचारे कैंसर था, कैंसर का इलाज किया एनोरेक्टल, उस दरमियान फिस्टुला हो गया, एनस का रास्ता बहुत ख़राब हो गया, पर जब भी वो जाते थे उसको फिस्टुला को कैंसर समझ के उसका बायोप्सी कराते थे, बायोप्सी में आता नहीं था, रिपोर्ट में आया नहीं, इसलिए कैंसर का इलाज भी नहीं दे सकते, फिस्टुला का इलाज करता नहीं था। तो कम से कम 7-8 साल से वो परेशान इसी बात से चल रहे थे कि मुझे कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट दे ही नहीं पा रहा, और लेटरन उसको बिल्कुल हो ही नहीं पाते थे। जैसे हमने सर्जरी करी, उसका फिस्टुला का वो जो पोर्शन था वो भी हटा दिया और पाथ भी ठीक कर दिया, अगले दिन से वो कंफर्टेबल हो गए। हालांकि क्योंकि इतनी कीमो रेडियो देने के बाद पाथ नैरो हुआ होता है, तो वो दोबारा थोड़ा नैरो होगा, ज़रूरत होगी तो फिर से उसको और थोड़ा ओपन किया जाएगा, नहीं तो इवन सिर्फ डायलेटर से ही वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और सर इसमें सर फिस्टुला की सर्जरी मतलब हर जगह होती है सर इसकी सर्जरी, बट इसमें सर मेजर कॉज होता है रिकरेंस का, तो सर वन ऑफ द मेजर रिकरेंस आपको क्या लगता है सर, क्यों होता है ये रिकरेंस? मेजर रिकरेंस का कारण है कि बीमारी है कॉम्प्लिकेटेड, इसको सिंपल समझ के करा जाए तो गड़बड़ होती है। दूसरा, काफ़ी बार इंटरनल रूट इतनी ट्रिकी जगह पे होती है, इतनी अंदर होती है कि वहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि जिनके अंदर मतलब या तो उनको अगर पता चल जाए कि ये कॉम्प्लिकेटेड है तो या तो वो टच ही नहीं करेंगे, या फिर वही टच करेगा जिसे पता ही नहीं है कि ये क्या कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और जब वो करेंगे उसके बाद जब वो कॉम्प्लिकेट होगा फिर वो उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड कि कितना पहले से अगर असेसमेंट हो जाए सही तो चांसेस हैं कि ये वाली प्रॉब्लम्स कम आए, बट निकल आते हैं। इवन हमारे पास भी ऐसे केसेस निकल आते हैं कई बार कि हम सोचते हैं कि ये इतना होगा, डबल ट्रिपल भी निकल आता है उसका, बट विद एक्सपीरियंस हमें पता होता है कि चलो ये भी डील हो जाएगा। सर लास्टली एक और चीज़ सर, दिस नॉट अ क्वेश्चन, जस्ट दिस अ रिक्वेस्ट सर, जैसे अभी इंडिया में मैंने जितना भी मैंने अभी तक रिसर्च किया अभी तक तो 4-5 लोग ही मतलब ऐसे डॉक्टर्स हैं जिसके पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, तो सर जैसे उनमें से आप भी हैं सर, तो सर आप लोग को लगता नहीं कि एक सेमिनार या ऐसा कुछ ट्रेनिंग करवाना चाहिए डॉक्टर्स को करके, इसमें जो सक्सेस रेशियो और भी ज़्यादा मिल सके? बिल्कुल मतलब, मेरे माइंड में है, उसके लिए प्लानिंग भी करते हैं, उसके लिए हम इंस्टीट्यूट भी प्लान कर रहे हैं, देखते हैं क्योंकि, बट ये एक दिन का काम नहीं है। अगर दिस साइंस इज लाइक एवरी डे यू आर लर्निंग, हर रोज़ हर पेशेंट एक अलग निकल के आता है, उसके बावजूद भी यही होगा कि कुछ ना कुछ पेशेंट्स एक्सपीरियंस के हिसाब से करते करते, बट हाँ एक रेगुलर कोई अगर इसको लॉन्ग टर्म में करना चाहे और कंटिन्यू कर सके, कोई शॉर्ट कोर्सेज में इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा कि 2 दिन का कोर्स कर लिया, 3 दिन का आधे घंटे की ट्रेनिंग ले ली, डेट विल नॉट हेल्प। इसमें एक्सपीरियंस पेशेंट कितने कितने पेशेंट करने के बाद यह समझ आएगी कि इसमें कहाँ कैसे फैल रहे हैं। ठीक है, बस मैं वही रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा कुछ सर अपने होना चाहिए आपके अंदर, करना मतलब, चाहते हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल सोच के बहुत डर लगता है सर बार बार कि सभी को कि इसमें सब डॉक्टर्स 2-3 ही मतलब बिना चुने हैं जो जिनके पास जाने में पेशेंट ठीक होता है। मैं समझता हूँ, मेरा भी बहुत है ये, और काफ़ी बार रिक्वेस्ट भी आती है, और हम चाहते हैं कि ये एजुकेशन आगे पास हो। यस सर, मैं भी वैसे पेशेंट सर, मैं उस चीज़ को फील करता हूँ। आई डू अंडरस्टैंड, जैसे अभी बीच में भी मेरे पास एक पेशेंट थे, उनका बेटा बहुत परेशान था, मतलब बच्चे को प्रॉब्लम थी, बट फादर वॉज ऑल्सो बहुत कंसर्न, और पूरा ठीक होकर चले गया वो,
और जाते हुए वो रो रहे थे कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अभी आप तो कर रहे हो, आगे कौन करेगा। इट्स नॉट लाइक डैट, कोई ना कोई अपने आप ग्रेजुअली हो जाएगा, बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको पास ऑन करके ट्रेन करके जाएं लोगों। यस सर, मैं चाहता हूँ जरा पूरा है मेरे माइंड में, लेट्स सी कब हो पाएगा वो हर चीज़। मैं चाहे लोग आपको याद रखें सर बहुत दिन तक। यस सर, ठीक है, नहीं सब ठीक रहे हैं और जो जितना हमारे से हो सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये होता है कि जो आया है एक विश्वास के साथ उसको पूरा कर पाए, दैट इज़ वन थिंग। हाँ, पर अगर कर पाएंगे, चीज़ें अलाउ करी, बॉडी ने अलाउ किया, हेल्थ ने, बाकी सब चीज़ों ने, फैक्टर सही रहे, तो ज़रूर ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश है, लेट्स सी कि उस कर पाए। और सर मैं एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि सबको, मेरे को भी लगता था यूट्यूब में ये कर रहे हैं, मार्केटिंग का ये होगा वो होगा, बहुत सारा चीज़ लगता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ एक बार कोई भी आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहीं पर आने के लिए, पर अपना रिसर्च कर लीजिए जो भी बेटर आपको लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो जाओ, जहाँ भी ठीक लगता है आपको लगता है ठीक हो जाओ, हाँ जल्दी ठीक हो जाओ, और जो आपको कॉन्फिडेंटली ठीक कर दे आप ठीक हो। जो नहीं हो पा रहे कि जो डॉक्टर इनका इसका करते हैं, जो एक्सपीरियंस जो उन्हीं के पास जाए, नहीं तो बिल्कुल, और जिनको कॉम्प्लिकेटेड इस तरह केसेस का एक्सपीरियंस है उन्हीं के पास जाए। मैं ये भी नहीं कहूँगा, देखो जहाँ जो ठीक हो जाए, जरूरी नहीं है कोई बिल्कुल यंग सर्जन भी होंगे, वो भी कल को ग्रेजुअली उनके पास अच्छी ट्रेनिंग यहाँ से भी लेके गए या दूसरे कहीं से सीखा, तो हो सकता है वो भी आपको ठीक कर पाए। बट इस केस के अंदर इन केसेस को लाइटली नहीं लेना, एंड प्रॉपर इलाज मोर इम्पॉर्टेंट है, और इट्स आपकी किस्मत है जहाँ अच्छे से ठीक हो पाओ, वो इम्पोर्टेंट है। हर एक ये की कोशिश होगी कि आप ठीक हो जाओ, कोई किसी की भी ये इंटेंशन नहीं होती कि वो आप ठीक ना हो। आपके मन में ये वाले डाउट भी नहीं आने चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, उन्होंने जिन्होंने किया उन्होंने अपने एक्सपीरियंस अपनी चीज़ के हिसाब से बेस्ट किया। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ठीक है, जहाँ आपसे कोई बात करना चाहता हो सर, आप कंफर्टेबल होंगे, टाइम होगा आपके पास बात करने के लिए, मुझे कोई बात करना चाहे काइंडली 7 से 8 के बीच करिए कॉल, उसमें मैं क्लासेस खत्म हो जाती है जी। मेरा नंबर है 8770330220। ठीक है, आपका शुभ नाम एक बार, विश्वनाथ चटर्जी। ठीक है विश्वनाथ जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, थैंक यू।